अयोध्या में बनकर तैयार रामलला के भव्य मंदिर की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए पूरे देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच एक राम भक्त ऐसा भी है जो 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर नागपुर से अयोध्या जा रहा है। ये राम भक्त 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या पहुंचे थे, जिन्हें करीब 10 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। इस राम भक्त के एक हाथ में राम दरबार तो दूसरे हाथ में भगवा ध्वज लेकर प्रतिदिन 40 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। ये राम भक्त श्री राम के जय घोष करते हुए जहां से निकलते हैं लोग भी जयकारे लगाने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं 55 साल के जबलपुर गुप्तेश्वर निवासी धनंजय उर्फ राजू पाटमासे की, जिनका नागपुर से लेकर जबलपुर तक का रास्ते में भव्य स्वागत किया जा रहा है। और नागपुर से ही मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी है। 800 किलोमीटर का मेरे को 800 किलोमीटर मेरे को जाना है, 40 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है और 20 तारीख को हम अपने प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंच जाएंगे। जब आप उसी मतलब प्राण प्रतिष्ठा और महासाक्षी आप बनेंगे तो कितनी खुशी है आप? खुशी यही है कि जो हमारे कार सेवक जो राम भक्तों पर लाठीचार्ज हुई है, जो राम भक्त के ऊपर गोलियां चली है, अब सब उनकी आत्मा को शांति तो मिलेगी, उनके परिवार को शांति तो मिलेगी। राजू बताते हैं कि वो 1990 के दौर में ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे। कल्याण सिंह की सरकार के समय में पुणे से अयोध्या जाने का मौका मिला, जहां पर बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान उन्हें 1992 में गिरफ्तार करके करीब 10 दिनों तक बांदा जेल में बंद रहना पड़ा था। वहां से रिहा हुए तो 2 दिन तक उन्हें नरेली स्थित स्कूल में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया। 1991 को दिल्ली में हमारा शक्ति प्रदर्शन हुआ कार सेवकों का, हमने वो शक्ति दिखाई और वो ताकत दिखाने के बाद में हमने 1992 में हनुमान के रूप में कल्याण सिंह जी आए। कल्याण सिंह जी के वो भगवान ही कहना चाहिए हमको, एक हम कार सेवक अयोध्या बाबरी विध्वंस के हम लोग आंदोलन के रूप में हम लोग कार सेवक इकट्ठे हुए वहाँ पे। फिर उसके बाद में हमको ये अभी 2024 का क्षण ऐसा आ गया है कि हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं। हम मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसकी हम प्रत्यक्ष भागीदारी बनने जा रहे हैं। ये हमारा बहुत अच्छा अवसर आ गया है और आगे भी हम। लेकिन राजू बताते हैं कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उनका सपना अब साकार हो रहा है, इसलिए उन्होंने पैदल यात्रा का मन बनाया। परिवार ने भी इस यात्रा में उनका सहयोग किया है।